आज के इस वीडियो में आप जानेंगे गुरु नानक देव दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, तब तक हम गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी को जानते हैं। बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक देव इन हिंदी, गुरु नानक देव का जीवन परिचय। पहला देखिए कि गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक ग्राम में 15 अप्रैल 1469 को कार्तिकी पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याणचंद तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक जी का जन्म स्थान इस समय पाकिस्तान में है, जिसे अब ननकाना के नाम से जाना। गुरु नानक देव जी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में सुलखनी नाम की कन्या के साथ हुआ था। नानक जी ने वर्ष 1507 में अपने परिवार का भार अपने ससुर के ऊपर छोड़कर यात्रा के लिए निकल गए। जब नानक जी यात्रा के लिए निकले, तब उनके साथ उनके चार साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी उनके साथ यात्रा के लिए गए थे। इसके बाद 1521 ईस्वी तक नानक जी ने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। गुरु नानक जी इन यात्राओं को पंजाबी में गुरु कहा जाता है। गुरु नानक देव की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर नामक एक नगर में हुई थी, जो इस समय पाकिस्तान में है। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक का जन्म हुआ था, इसलिए 15 अप्रैल को गुरु नानक दिवस मनाया जाता है। एक सवाल आप लोगों के लिए, 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएं।